गुड मॉर्निंग एवरी वन, माई सेल्फ योर केमिस्ट्री फैकल्टी मरन सर फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस इन कोलेबरेशन विद सारस्वत इंटरनेशनल अकेडमी वापी। सो लास्ट क्लास में हमने एंड किया था रिगार्डिंग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। आज हम जा रहे हैं बात करने बफर सॉल्यूशन के बारे में कि क्या है बफर सॉल्यूशन। देखिए, बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो पीएच के चेंजेस को रोकता है। क्या करता है? पीएच के चेंज, जैसे मान लीजिए सॉल्यूशन में अगर आपका पीएच 5 है, आपने अगर कुछ थोड़ा बहुत एसिड ऐड कर दिया तो डेफिनेटली पीएच क्या होगा और घटेगा अगर एसिड है तो वो जो पीएच चेंज होगा जब आप थोड़ा बहुत एसिड को ऐड करते हैं सॉल्यूशन में, तो चेंज इन पीएच को वो स्टॉप करेगा। सेम कंडीशन फॉर बेस के लिए भी होगा कि जो आपका पीओएच है सॉल्यूशन का, आपने उसमें अगर थोड़ा बहुत कुछ बेस को मिला दिया तो आपका पीओएच इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। उस चेंजेस को बफर सॉल्यूशन क्या करता है? रोकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? यू राइट अ डिफिनीशन, सब लोग लिखिए डिफिनीशन। हम क्या बोलेंगे कि द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच व्हेन ए स्ट्रॉन्ग एसिड और ए स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड इन ए स्मॉल अमाउंट एंड बेस इज एडेड। क्लियर? अब देखिए, जो आपका ये बफर सॉल्यूशन है उसको हम तीन पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला रहेगा आपका एसिडिक बफर सॉल्यूशन, दूसरा रहेगा बेसिक बफर और तीसरा रहेगा न्यूट्रल। तो हम बफर को तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला जो हम जा रहे हैं बात करने वो आपका रहेगा एसिड बफर सॉल्यूशन या एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अब बफर सॉल्यूशन का तो मीनिंग समझ में आ गया कि सॉल्यूशन में पीएच या पीओएच के चेंजेस को जो रोकता है, लेकिन हम एसिडिक बफर कब बोलेंगे? हम वो सॉल्यूशन को एसिडिक बफर बोलते हैं जहां की एसिड वीक हो और साथ में उसका कॉन्जुगेट बेस भी हो। और आपको हम बताए थे कि किसी एसिड से अगर एच निकाल दो तो जो बेस बनता है वो कॉन्जुगेट बेस होता है। किसी बेस से अगर ओ एच माइनस को निकाल दो तो बाद में जो एसिड बनता है उसे क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एसिड। तो अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन, तो हम क्या बोलेंगे? द सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस इज नोन एज एसिडिक बफर सॉल्यूशन जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए, जैसे अगर हमने ले लिया CH3COOH, तो ये तो बेटा हो गया वीक एसिड और इसका बेस क्या हो जाएगा? CH3COONa। तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस ऐसा कहीं अगर प्रेजेंट हो तो क्या बोलेंगे? एसिडिक बफर सॉल्यूशन। जैसे मान लो हमने ले लिया HCN, तो ये वीक एसिड और इसका आप कॉन्जुगेट बेस ले लो NaCN। तो वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस को हम क्या बोलते हैं? एसिड बफर सॉल्यूशन। आप देखिए इसको एक बार,
जैसे मान लीजिए हमने ले लिया HF वीक एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस NaF, तो ऐसे ऐसे जो हमारा कॉम्बिनेशन होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं हम, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब हमने क्या समझा कि बफर सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं एसिड पेयर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, क्योंकि आप देख लो CH3COOH ये तो एसिड हो गया और CH3COONa ये हो गया कॉन्जुगेट बेस, और इनके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं बफर सॉल्यूशन में एसिड बेस पेयर एग्जिस्ट करता है। क्लियर है। अगला अगर हम बात करते हैं कि जो पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो इसका पीएच आइदर 7 हो सकता है या 7 से बड़ा हो सकता है या 7 के बराबर हो सकता है। ये इसके तीन वैल्यू हैं पीएच के, आइदर इट कैन बी इक्वल टू 7 और लेस देन 7 और ग्रेटर देन 7। तो ये हमारा हो गया रिगार्डिंग एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अगर हम बात करते हैं बेसिक बफर का, सेम चीज क्या होगा, वैसा सॉल्यूशन जिसमें वीक बेस हो और साथ में क्या हो उसका कॉन्जुगेट एसिड। हम क्या बोल रहे हैं, बेसिक बफर उसको बोलते हैं कि हम एक सॉल्यूशन ले ले जहां वीक बेस और साथ में क्या हो उसका कॉन्जुगेट एसिड, तो हम क्या बोलेंगे, बेसिक बफर सॉल्यूशन। हम बात कर रहे हैं व्हाट इज बेसिक बफर सॉल्यूशन। ये क्या है, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड। सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड, ये होता है बफर। जैसे एग्जाम्पल अगर हमने ले लिया NH4OH, तो ये बेटा हो गया वीक बेस और इसका कॉन्जुगेट एसिड NH4Cl। तो ऐसा जहां कॉम्बिनेशन दिखे तो क्या बोलोगे, बेसिक बफर सॉल्यूशन। आपके एग्जाम में भी इस तरह क्वेश्चन आता है जहां आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन एसिडिक बफर सॉल्यूशन है कौन बेसिक। तो आप क्या देखोगे कि जो एसिड है वो वीक होना चाहिए, जो बेस है वो वीक होना चाहिए और उनका कॉन्जुगेट होना चाहिए। अगर हम इनका भी पीएच की बात करें तो दिस कैन बी आइदर इक्वल टू 7, लेस देन 7, ग्रेटर देन 7। इसके बाद हमारा आता है न्यूट्रल बफर। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रल बफर और नॉर्मल बफर। नेक्स्ट हम बोलेंगे न्यूट्रल बफर और नॉर्मल बफर। अब न्यूट्रल बफर और नॉर्मल बफर में क्या है, देखिए नॉर्मल मीन्स क्या होता है या न्यूट्रल मीन्स क्या होता है, जो जहां पर एसिड बेस दोनों के दोनों वीक के हो जाए, क्या हो जाए, दोनों के दोनों वीक। क्यों, अगर दोनों वीक रहेंगे तो H प्लस या OH माइनस बहुत कम अमाउंट में आएगा, और जब कम अमाउंट में रहेगा तो इनके पीएच या पीओएच को चेंज करने में बफर सॉल्यूशन हेल्प करेगा, एज ए रिजल्ट माय सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। तो हम क्या बोल सकते हैं न्यूट्रल बफर के बारे में कि इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम CH3COONH4। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसको हम न्यूट्रल बफर क्यों बोलेंगे, आप देखो ये डिराइव कहां से हुआ,
ये वाला कहाँ से आ गया, ये आ गया सी एच थ्री सी डबल ओ एच से, और ये वाला कहाँ से आ गया एन एच फोर ओ एच। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो सॉल्ट है ये वीक एसिड एंड वीक बेस से डिराइव हुआ है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, न्यूट्रल बफर। अब ये तो बात हो गई हमारी रिगार्डिंग न्यूट्रल बफर के बारे में। अगला जो हम जा रहे हैं बात करने वो ये रहेगा कि आप अब पीएच कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। क्या हम बोल रहे हैं, आप कैसे पीएच एसिडिक बफर का या बेसिक बफर का आप कैसे पीएच कैलकुलेट करने जा रहे हैं। चलिए हम बता रहे हैं, अगला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा कैलकुलेशन ऑफ पीएच। किसका, पहला रहेगा एसिडिक बफर का, द फर्स्ट विल बी ऑफ एसिडिक बफर, सेकेंड विल बी बेसिक बफर। पहला होगा एसिडिक बफर का, दूसरा होगा हमारा बेसिक बफर का। हम एक एक करके इनका पीएच सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए हम जा रहे हैं इनका पीएच को सॉल्व करें। सबसे पहला जो हम जा रहे हैं बात करने, द फर्स्ट विच वी आर गोइंग टू फोकस, दैट इज योर पीएच ऑफ एसिडिक बफर। पीएच ऑफ एसिडिक बफर, अब जैसे एसिडिक बफर किए तो हम क्या लेंगे, वीक सॉल्ट एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। मान लीजिए हमने वीक सॉल्ट एसिड ले लिया CH3COOH और इसका कॉन्जुगेट बेस CH3COONa, ठीक है। कैसे हम सॉल्व करेंगे, पहले देखो आप अगर एज्यूम करना कि जो CH3 एसिड है तो इसका जो Ka है अगर वो दिया है 10^-5, ये वाला बेस है तो डेफिनेटली इसका Kb होगा, तो इसका अगर Ka हम बात कर रहे हैं 10^-9। क्यों, आप बोलो सर ये बेस है तो आप Ka क्यों ले रहे हो। बेटा कोई दुनिया में परफेक्ट एसिड या बेस नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ कैरेक्टर सबका होता है। तो अगर CH3COONa बेस है तो इसका के बहुत कम हो जाएगा और के भी ज़्यादा होगा, तो देखो मैंने के बहुत कम लिखा। हम एज्यूम कर रहे हैं कि एसिटिक एसिड का C1 कंसंट्रेशन है और इसके बेस का C2 कंसंट्रेशन। अब हम बात कर रहे हैं कि इसका रिएक्शन कैसे हो। हमने ले लिया वीक एसिड के CH3COOH का जब रिएक्शन किए तो ये बन गया H++ ऑफ CH3COOH। क्या हो गया CH3COOH। हम इनिशियल इसको C1 एज्यूम किए, ये डैश डैश, फिर ये C1-X से घटा तो ये दोनों X से बढ़ गया। किससे बढ़ा, ये दोनों X से बढ़ गया। अब देखिए जो हमारा एसीटेट आयन है, जरा ध्यान से देखना हम क्या बोल रहे हैं, जो हमारा ये एसीटेट आयन है ये तो यहाँ से भी मिलेगा मेरे को, ये वहाँ से भी मिलेगा, तो कितना मिलेगा C2। इसी को हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, कि जहाँ पर आयन्स कॉमन हो तो उनकी टोटल मोल्स जुट जाती हैं। तो मेरा CH3 क्या हो जाएगा, X+C2। क्यों, क्योंकि एसीटेट आयन हमें एसिड से भी मिलेगा और उसके कॉन्जुगेट बेस से भी मिलेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। अब ये वाला एसिड है तो इसका इक्विलिब्रियम हो जाएगा के, तो मेरा के क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट मतलब X into X+C2 by reactant C1-X। नेग्लेक्शन थ्योरी से हमारा X क्या होगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा जब भी आप किसी टर्म को नेग्लेक्ट करते हैं तो ये नेग्लेक्ट केवल किस में होता है, प्लस और माइनस में, मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता। तो ये हमारा के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा X into C2 by C1। यानी यहाँ से जो X है वो मेरा क्या है, H+ है। तो क्या हम ऐसे लिख दें कि H+ का कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू KaC1 by C2। हमें निकालना है pH, तो पहले हम log ले लें, तो क्या हो जाएगा, log ऑफ H+ इज इक्वल टू
log of K1 C1 by C2, ये हो जाएगा, आप कर दो माइनस माइनस तो ये बन जाएगा pH, ये क्या हो जाएगा, पहले तोड़ो इसको, माइनस ऑफ log Ka माइनस ऑफ log C1 प्लस ऑफ log C2 प्लस ऑफ log C2। अब क्या देख रहे हो कि यहाँ पर ये बन जाएगा pKa और ये बन जाएगा प्लस ऑफ log C2 by C1। क्यों? क्योंकि log A माइनस log B का फॉर्मूला होता है log A by B। अब देखो C2 किसका मोल था, C2 हमारा बेस था, C1 एसिड था, तो C2 हमारा कॉन्जुगेट बेस मतलब सॉल्ट है और C1 एसिड है। तो अगर यहाँ लिखेंगे तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि pH is coming as pKa plus of log salt by acid। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, कभी कभी तो JEE मेडिकल में ये लोग फार्मूला भी पूछ देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया pH of acidic buffer solution। अब आपका काम है कि आप pH of basic buffer solution खुद निकालें, सब कुछ सेम आएगा। सिमिलर तरीका से अगर आप POH निकालते हैं बेसिक का तो कितना आ जाएगा, जहाँ pH लिखे वहाँ POH, जहाँ pKa लिखे वहाँ pKb, जहाँ log of salt लिखे वहाँ salt रहेगा, जहाँ acid लिखे वहाँ base हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा क्या, POH किसका हो गया, बेसिक बफर सॉल्यूशन का, ये किसका हो गया, बेसिक बफर सॉल्यूशन का, ये मेरा हो गया POH, ये क्या हो गया POH, तो ये मेरा हो गया pH, ये मेरा हो गया POH। अब इसी बेस्ड फॉर्मूलाज पर आपके क्वेश्चंस आपके वर्कबुक में दिए हुए हैं जो आपको सॉल्व करना है, जो क्या करना है आपको सॉल्व करना है। और कोई भी डाउट हो तो आप जब भी शाम में लाइव क्लास होती है आप वहाँ पूछ सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिगार्डिंग सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। नेक्स्ट रहेगा हमारा सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है कि कोई आप एक सॉल्ट लेते हो सॉलिड फॉर्म में, सॉल्ट किस में लेते हो, सॉलिड फॉर्म में, जब उसको पानी में आप डालते हो तो 10% ही डिजॉल्व होता है, और जो डिजॉल्व होता है ना वही हो जाता है क्या, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, मतलब कितना सॉल्युबल हुआ, कितना सॉल्युबल हुआ। और हम सॉल्ट वैसा ही लेते हैं जो कंप्लीट सॉल्युबल ना हो, जो पार्शियल सॉल्युबल हो, और क्या बोलेंगे, जो एस्पायरिंगली सॉल्युबल हो। जैसे मान लो हमने एक सॉल्ट ले लिया AgCl सॉलिड फॉर्म, तो सबसे पहले ये तो मोल्टेन फॉर्म में जितना भी कन्वर्ट हो जाए AgCl एक्वस, और फिर जब ये इक्विलिब्रियम में जाएगा तो ये बन जाएगा Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। तो अगर मान लीजिए कि इस AgCl सॉलिड से अगर S मोल एक्वस में गया तो ये दोनों S मोल ही बन जाता है। तो अगर इनकी हम बात करें कि व्हाट इज के इक्विलिब्रियम, तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा, वो तो इनिशियल से निकलेगा, तो वो हो जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन Ag प्लस Cl माइनस जो आप इनिशियल लिए थे AgCl सॉलिड। और आपको पता है कि AgCl का होता है वैल्यू सॉलिड में 1, तो हम क्या लिखेंगे इसको कि K इक्विलिब्रियम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ AgCl सॉलिड इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एंड Cl माइनस, और इसी को हम बोलते हैं KSP बराबर AgS। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा KSP ऑफ AgCl है वो आ गया S स्क्वायर।
और हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, तो जो मेरा एस सॉल्युबिलिटी है ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ के एस पी। तो इस तरह से बेटा आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल सकते हो। हम एक दो क्वेश्चन आपको और करवाते हैं समझने के लिए। जैसे मान लो मैंने अगर एक क्वेश्चन ये ले लिया, Ag2SO4 सॉलिड, हमने बोला बेटा इसका निकालना है आपको Ksp। तो अब क्या करोगे, फटाक से आपने ले लिया Ag2SO4 सॉलिड, ये टूट जाएगा 2Ag प्लस प्लस ऑफ SO4 माइनस 2, ये भी S मोल बनेगा, ये भी S, लेकिन 2 है तो ये बन जाएगा 2S मोल। हमारा जो Ksp होगा वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का होल स्क्वायर इंटू SO4 माइनस 2। Ag प्लस कितना होगा, 2S का होल स्क्वायर इंटू S, ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4S³। कितना हो गया, 4S³। ये हो गया हमारा Ksp सॉलिडिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2SO4। मान लो एक और क्वेश्चन ले लिए बेटा, इसका क्या होगा ये बना के दिखाओ। Ag3PO4 दिस विल ब्रेक एस, ये सॉलिड फॉर्म में है, 3Ag प्लस एक्वस प्लस ऑफ PO4 माइनस 3 एक्वस, ये S लेकिन 3 मोल है, 3S, ये भी S। तो जो हमारा Ksp होगा वो क्या हो जाएगा, Ag प्लस का होल क्यूब PO4 माइनस 3, ये हो जाएगा 3S का होल क्यूब इंटू S, ये हो जाएगा 27 इंटू S का पावर 4। सिंपल है, बस खाली आपको इक्वेशन लिखकर उसके नंबर ऑफ मोल्स और चार्ज बैलेंस दोनों करने आना चाहिए, फिर आपके लिए सब बराबर है। इस तरह से बेटा हम क्या करते हैं, हम Ksp को निकाल सकते हैं। क्या हम करते हैं, हम Ksp को निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हम ये बात करते हैं, अगला हमें ये बात करना पड़ता है कि मान लीजिए कि सॉल्यूशन में अगर आपने कुछ सॉल्यूट डाल दिया, तो वो सॉल्यूट आपका डिजॉल्व है, कि वो सॉल्यूट प्रेसिपिटेट कर गया, कि वो डिजॉल्व नहीं किया। इसके लिए क्या होता है, जिस तरह मैंने आपको केमिकल में बताया था रिएक्शन कोशेंट, उसी तरह यहाँ भी होता है रिएक्शन कोशेंट। तो हम क्या करते हैं, इसमें तीन केस होते हैं। सबसे पहला केस क्या होता है कि अगर आपका Ksp इज इक्वल टू रिएक्टेंट कोशेंट Qsp, अगर दोनों ये बराबर हो गया तो आपको बोल देना पड़ेगा कि इस कंडीशन में हमारा सॉल्यूशन सैचुरेशन है। क्या हम बोलेंगे कि इस कंडीशन में हमारा जो भी सॉल्यूशन है वो क्या है, सैचुरेशन है। पहला केस। दूसरा, अगर मान लीजिए कि अगर हमारा Ksp इज नॉट इक्वल टू Qsp, तो फिर हमारा दो केस बनेगा, आइदर Ksp इज ग्रेटर देन Qsp और Ksp इज लेस देन Qsp, यही दो केस होगा। जब Ksp बड़ा हो जाए, यानी इस केस को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड, क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का ये केस होता है। और जब हमारा Ksp छोटा हो जाए, तो इस कंडीशन में हमारा प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, और ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। क्या करोगे आप, Qsp निकालोगे, दोनों में से आपको एक निकालना होता है, एक क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर Ksp दिया है तो आपको Qsp निकालना पड़ेगा, या अगर Qsp दिया है तो आप Ksp निकालोगे, चेक करोगे। अगर दोनों बराबर हो गया तो इक्विलिब्रियम, या आप क्या बोलोगे, सैचुरेशन। अगर बराबर नहीं हुआ तो Ksp आइदर बड़ा या छोटा, बड़ा हो गया तो क्या बोलोगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और छोटा हो गया तो क्या बोलोगे, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन। आया समझ में? चल, नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने, ये हमारा हो गया रिगार्डिंग प्रेसिपिटेशन।
एक बार आप लोग इसको ध्यान से देखिए, नेक्स्ट में क्या होगा, जब पूरा हो जाएगा तो आपसे एक ही है कि आप लोग अपने VMC का मॉड्यूल एज वेल एज जो आपके NCERT का क्वेश्चंस दिया है, वर्कबुक दिया गया है, उसको पूरा सॉल्व करें। कोई डाउट हो आप उसे हमें व्हाट्सएप करें। नेक्स्ट से हम स्टार्ट करने जाएंगे ऑर्गेनिक।